हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हमें ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 ख़त्म करके 8.4 के शुरुआत के लिए चलना है। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जिसमें आपको आगे की सीढ़ियों के लिए एक नई राह मिलेगी। और बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज टॉपिक होने जा रहा है। और आज की क्लास देख के आप खुद फील करेंगे कि हाँ जी, कुछ नया सीखा और कुछ मजेदार सीखा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों, हमने सेकंड कर लिया था और हमें थर्ड क्वेश्चन करना है। थर्ड क्वेश्चन करना है। क्या है थर्ड क्वेश्चन? टेन टू ए बराबर कॉट ए माइनस 18। ठीक है, तो कह रहा बताइए कि एंगल ए क्या होगा। अब देखो बच्चों, अब आप लोगों ने जो फॉर्मूला सीखा है वो सीखा है टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है जी। अब जब हमारे पास बच्चों ये फॉर्मूले हैं, तो मैं इससे यहां तक पहुंच सकता हूं। मतलब मुझे या तो टेन को, भाई, या तो टेन को कॉट में बदलो या तो कॉट को टेन में बदलो। क्यों? क्योंकि जब तक दोनों सेम नहीं होंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो पाएंगे, कट नहीं पाएंगे। और अगर इन दोनों को कैंसिल करना है, इन दोनों को आपस में काटना है, तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन्हें चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज करें किसे? तो भाई ये दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि भाई माइनस प्लस का फेर है इसमें, जबकि ये सिंपल है, तो इसको हमें चेंज करना आसान रहेगा। तो भाई मैं टेन टेन टू ए, मतलब टू ए का मतलब थीटा, तो टेन थीटा को क्या मैं कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ बच्चों? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? फॉर्मूला बोल रहा है। तो इसको चेंज कीजिए, कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या आएगा? टू ए, क्योंकि ये टेन ए टेन थीटा था और इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया। बराबर, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, किसी एक को ही कर रहा हूं, बहुत है। कॉट से कॉट कैंसिल, 90 माइनस टू ए बराबर ए माइनस 18। माइनस 18 इधर आके प्लस, 2a इधर आके प्लस, ये 108, ये 3a, 3 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड, और ये 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 और 1 इससे, तो कितना आ जाएगा? 6। ठीक, कितना आ जाएगा भाई? देखिए कैंसिल करेंगे 6, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 36। कितना आ गया? 36। ठीक है, जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करके दिखाइए, इसको नोट कीजिए और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाएंगे फटाफट। चलिए, वीडियो पॉज करके आपने क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई किया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं देखता हूं किस किस का आंसर सही है। यही है। चलिए, अब बोला सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20। अब इसका भी फॉर्मूला आप जानते हैं कि भाई सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। बराबर किसके होता है? सेक थीटा। अब चलिए शुरू करते हैं भाई कहानी। ठीक है, क्या कहानी शुरू करनी है? ये सेक थीटा, ये कॉसेक थीटा, मैंने बताया था ना, जो सिंपल लगे देखने में उसको चेंज करो। तो क्या मैं सेक थीटा को कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ठीक है जी, तो इसको चेंज करेंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या आएगा? 4a कॉसेक a माइनस 20। कॉसेक से कॉसेक खत्म, 90 माइनस 4a a माइनस 20, माइनस 20 इधर आके प्लस, माइनस का 4a इधर आके प्लस, 110 5a, 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो कितना हो गया? 2 और 2, तो a बराबर आ गया 22 डिग्री। 22 डिग्री, ठीक है। अब आता है बच्चों, ये कर लो फटाफट, फिर क्वेश्चन नंबर करा देता हूँ मैं आपको इसी में। 4 कह रहा है कि अगर टेन ए बराबर है कॉट बी के,
तो प्रूफ करो ए प्लस बी बराबर 90 के है। क्या बोला है कि अगर टेन ए बराबर है बच्चों कॉट बी के, तो उसे प्रूफ करो कि वो ए प्लस बी जो है वो 90 है। खत्म बात। भाई देखने में मेरे को दोनों सिंपल लग रहे हैं, चाहे टेन हो चाहे कॉट हो, दोनों सिंपल लग रहे हैं, किसी भी एक को चेंज कर दो। तो देखो भाई टेन थीटा, टेन थीटा किस में चेंज कर सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा में। तो बस, तो क्या मैं इस टेन ए को कॉट 90 माइनस ए नहीं लिख सकता क्या, बताओ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये चेंज होकर इसमें आ जाएगा। तो बस बात खत्म। तो भैया कॉट से कॉट कट गया, 90 माइनस ए बराबर बी, माइनस का ए उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। इतना आसान सा क्वेश्चन है, नोट कीजिए। मिटा दूं? चलिए बच्चों, अब देखिएगा जरा, आपसे बोला गया है कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल, ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? ए बी और सी त्रिभुज के अंतः कोण है, अंतः कोण है, ठीक है बच्चों? अब जब एक बात बताइए, अंतः कोण है तो कह रहा है, तो अंतः कोण से मुझे क्या पता चलता है कि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम बच्चों 180 होता है। ट्रायंगल के तीनों, भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। लेकिन बच्चों मुझे जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि साइन B प्लस सी अपॉन टू बराबर होता है किसके? कॉस A अपॉन टू के। साइन B प्लस सी अपॉन टू बराबर होता है कॉस A अपॉन टू के, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं भाई। अब देखिए, जैसा कि मैं देख रहा हूं, मुझे B प्लस सी टू चाहिए, तो क्या यहां पे आपको कहीं पे भी ए बी सी के नीचे कहीं पे भी 2 दिखाई दे रहा है? जी नहीं दिखाई दे रहा। तो हमें 2 लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2, 2 से विभाजित करने पर, सबको 2 से विभाजित कर दो, ए प्लस बी प्लस सी इन सबको 2 से डिवाइड कर दो और 180 को भी 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो, क्या मुझे एक साथ चाहिए बी प्लस सी, एक साथ चाहिए? क्या अकेला चाहिए? ए अकेला चाहिए। तो A के नीचे अकेला ये वाला 2 A के नीचे ले लो और एक बार B प्लस सी के नीचे, इससे कैंसिल कर दोगे 90, तो कितना आ गया 90। अब किसी एक को ले जाओ, ठीक है, किसी एक को ले जाओ, A प्लस 2 यहाँ पे प्लस का है, वहां जाके किसका हो जाएगा? माइनस का, ठीक है? ये आ गया इसके बराबर। नाउ अब मुझे ये बताओ, साइन B प्लस सी अपॉन 2 बराबर प्रूफ करना है कॉस A अपॉन 2 के, सही बात है? लेफ्ट हैंड साइड इसको उठाओ, साइन बी प्लस सी अपॉन टू, तो साइन, हाँ जी बच्चों, बी प्लस सी अपॉन टू की वैल्यू किसके बराबर है? 90 माइनस ए अपॉन टू के बराबर है, ठीक है जी? अच्छा अब ये बताइए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे कौन है? ए बटा 2, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड कीजिए इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला गया है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, कह रहा है इनके एंगल को 0 से 45 के डिग्री के बीच में ले आओ। क्या बोला है कि इनके एंगल्स को 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में ले आओ। ठीक है जी, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये साइन भाई 67 है तो इसको 90 माइनस 23 लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ हाँ कि ना। क्यों? क्योंकि 90 माइनस 23 67 होता है। अब cos 75 को क्या मैं 90 माइनस 15 लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल, क्योंकि 90 माइनस 15 क्या होता है? 75। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा। और cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? sin थीटा। 15 तो आ गया ना, देखो 0 से 45 के बीच में, 0 से 45 के बीच में। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कीजिए। चलिए हो गया नोट। अब हम करने जा रहे हैं आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन, यानी 8.4, जिसका इंतजार मुझे भी था कराने का, और अगर आप लोग इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग तरीके से ले रहे होंगे तो आपको भी एक्साइटमेंट होगी 8.4 करने की। आओ तो 8.4 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आइडेंटिटीज, सर्वसमिका। ठीक है, फॉर्मूला देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे थीटा है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, 2a 2a भी आ सकता है, 3a 3a भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब अगर मान लीजिए मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू थीटा उठा के वहां ले जाऊंगा, किसका बन जाएगा? माइनस का। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। वही अगर सोचिए कि हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होती तो क्या करते? साइन को उठा के वहां ले जाते, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाती। ठीक है बच्चों, चलो तो ये आ गया। अब देखिए अगर यही चीज बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ इस तरीके से लिखा होता, यानी cos का थीटा प्लस sin का थीटा, तो वो भी तब भी किसके बराबर होता? 1। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में आगे पीछे अगर लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम secant square theta यानी sec square theta माइनस tan square theta बराबर 1। ये है बच्चों अगला फॉर्मूला। और ये अगर माइनस का है तो उधर जाके क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? उधर जाके बन जाएगा बच्चों ये प्लस का। ठीक है, अब वही बच्चों वही ये जो मैंने बताया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अब अगर मुझे वही मुझे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करूंगा? तो कुछ नहीं, ये प्लस का 1 उठा के इस तरफ ले आऊंगा, sec स्क्वायर थीटा तो इधर प्लस का है ही, प्लस का 1 इधर आके क्या बन जाएगा? माइनस का 1। तो बच्चों टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन मान लीजिए कि ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा आपके सामने आ गया, मतलब उल्टा हो गया, तो अब लेकिन फर्क पड़ेगा। देखो क्यों? क्योंकि यहां पे तो प्लस का था तो इसलिए फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब माइनस वाली चीजें आपस में पलट जाती हैं तो फर्क पड़ता है। क्या? जो वो इसका रिजल्ट अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होता तो प्लस में हो जाएगा। मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, तो अगर मैं इसको पलट के टेन स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा कर दूं तो प्लस वाली चीज किसमें हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। बस इतना सा फर्क आएगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट फॉर्मूला और बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके? 1 के।
सिर्फ साइन और कॉस वाले में ही प्लस लगेगा, बाकी दोनों में क्या लगेगा? माइनस। इसी प्रकार अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो माइनस की चीज वहां जाके प्लस में हो जाएगी, ठीक है। वही अगर मैं बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा कि ये कॉसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस का वन इधर आके क्या बन जाएगा? माइनस का, ठीक है। और वही सेम चीज कि अगर इनको पलट के कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कर दूं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? माइनस वन के बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस वन के बराबर हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे मैं कंटिन्यू करवाता हूं। ठीक है जी, चलिए देखिए भाई ये फॉर्मूले तो नोट कर लिए होंगे, अब एक एक करके इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इन सब की जरूरत पड़ेगी हमें। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। अब भाई जब इस तरीके से हो गया ये, अब हमें क्या करना बच्चों? इस पे रूल लगाना है और फॉर्मूला बना के क्वेश्चन खत्म करना है। तो देखो हमने क्या सीखा है, चेंज उसी को करो जो 45 से बड़ा हो, ठीक है जी। चलिए ये है साइन 63, भाई 63 को क्या मैं 90 माइनस क्या ले सकता हूँ? 27 ले सकता हूँ जी, बिल्कुल। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इस पूरे पे भी स्क्वायर लगा लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस स्क्वायर 17, भाई कॉस स्क्वायर 73 तो कॉस 90 माइनस 17 लिख सकता हूँ कि नहीं 73 को? बिल्कुल, इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी बन जाएगा। अगला साइन 90 माइनस थीटा तो क्या बन जाता है? कॉस थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है। अब ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 27, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 27, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 17 और साइन स्क्वायर थीटा मतलब 17। भाई थीटा का मतलब यहां पर ये है कि दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। दोनों का एंगल क्या होना चाहिए? सेम। तो देखो कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। तो देखो कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा मतलब 27 27, दोनों का सेम है तो ऊपर वाले की वैल्यू 1। कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा मतलब कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा 1, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो इसकी भी 17 इसकी भी 17 तो 1। तो आंसर कितना आ गया? 1, ठीक है बच्चों। इस तरीके से करना है। फिर इसी का सेकेंड पार्ट देखो, साइन 25 कॉस 65 माइनस सॉरी प्लस कॉस 25 साइन 65, ये रहे, ठीक है। इसे करते हैं तो मैंने बता ही रखा भाई, चेंज उसी को करो, ठीक है, जो 45 से बड़ा हो। तो यानी कि 90 माइनस 25, इसको भी क्या लिखोगे? 90 माइनस 25, हाँ जी। तो साइन 25 कॉस 90 माइनस थीटा क्या बनता है? साइन थीटा, हाँ जी। साइन 90 माइनस थीटा क्या बनता है? कॉस थीटा। तो साइन और साइन, साइन स्क्वायर 25, कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर 25। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर? 1। तो इन दोनों की वैल्यू देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब दोनों का एंगल सेम है, तो आंसर कितना आ गया? 1। इस तरीके से करना है, ठीक है, नोट करो।
चलिए, हाँ जी इसको मिटा दूं। हाँ जी बच्चों आओ, एक एक करके अब यहाँ पे करते हैं। हाँ जी फर्स्ट हो गया 9 sec² a - 9 tan² a। हाँ जी भाई फॉर्मूला तो sec² θ - tan² θ 1 के बराबर है, लेकिन इसके आगे तो क्या लग गया 9, ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई। तो भाई घबराना नहीं है, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, तो क्या मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ? जी बिल्कुल ले सकता हूँ। तो sec² a - tan² a। हाँ जी 9 sec² a - tan² a किसके बराबर है? 1 के। 1 9 एकम 9 आंसर आ गया। ऐसे करना था, इतना सिंपल, बस आपको देखना और खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसी का फोर्थ पार्ट। 1 tan² a / 1 cot² a, ठीक है? तो देखो 1 tan² θ किसके बराबर है? sec² θ। तो इसका मतलब 1 tan² a किसके बराबर होगा? sec² a के। हाँ जी 1 cot² θ, 1 cot² a किसके बराबर है? cosec² θ, यानी cosec² a, ठीक है? अब देखो अगर मैं sec का उल्टा करूं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जब कुछ भी, अब एक बात याद रखना बच्चों, जब कुछ भी समझ में ना आए, कोई फॉर्मूला अप्लाई ना हो, देखो इसमें तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था तो मैंने लगा दिया, लेकिन अब sec² a और cosec² a में कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे हो तो रहा है, अब कर दोगे तो वापस वहीं नहीं पहुंच जाओगे, ठीक है? तो अब कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, तो ऐसी सिचुएशन में जब कुछ समझ में ना आए तो सारी टर्म को उसको साइन और कॉस में चेंज कर देना चाहिए। किसमें चेंज कर देना चाहिए? साइन में और कॉस में। तो देखो भाई sec है, sec तो sec θ किसका उल्टा होता है मुझे इतना बता दो भैया? कॉस का होता है। तो sec का उल्टा क्या होगा? 1 / cos, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, अपॉन में a। हाँ भाई साइन का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है 1 / cosec θ। तो देखो कॉसेक थीटा मतलब अपॉन में, तो कॉसेक थीटा अपॉन में है, कॉसेक थीटा का उल्टा करूंगा तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा। तो ये रहा भाई साइन, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी a, तो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, क्या बनेगा भाई? साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। याद करो भाई टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद है? तो बस ये भी साइन थीटा कॉस थीटा, तो आंसर आ गया टेन, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ए आंसर, ठीक है? करो। चलिए एक और देख लीजिए, लगे हाथ। थर्ड, sec a + tan a 1 - sin a, ये दिया हुआ है, ठीक है? प्रूफ करना है। अब देखो बच्चों sec a + tan a कोई भी ऐसा फॉर्मूला क्या आपको यहाँ आइडेंटिटी में दिखाई दे रहा है? बताओ sec a + tan a कोई फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा। और अभी अभी हमने क्या बात सीखी कि जब हमें कुछ भी फॉर्मूला ना दिखाई दे या कुछ समझ में ना आए तो सारी टर्म को किस में चेंज कर देना चाहिए? साइन में और कॉस में। तो बताओ sec किसका उल्टा है? अभी अभी बताया था मैंने कॉस का, तो 1 / cos। टेन का क्या फॉर्मूला होता है साइन के और कॉस में? तो साइन अपॉन कॉस, यही होता है ना टेन। अब ये तो पहले से ही साइन में, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो एलसीएम सीखो, जब नीचे वाली पार्टी सेम हो, जब नीचे वाली पार्टी सेम हो तो ऊपर वाली पार्टी भी क्या आ जाती है? सेम आ जाती है, ठीक है? तो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो देखो क्या ऊपर वाला आपको a + b a - b जैसा लग रहा है? a + b a - b, बिल्कुल। तो बस क्या बन जाएगा ये? a² - b² अपॉन कॉस ए। तो 1 का स्क्वायर 1, साइन का साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। हाँ जी 1 - sin² a, 1 - sin² θ किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। 1 - sin² θ किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। मतलब 1 - sin² a बराबर है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो आंसर कितना बचा बच्चों? कॉस ए आंसर आपके सामने। नोट करो जल्दी, वीडियो पॉज करके तीनों क्वेश्चन नोट कर लो।
इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आज की क्लास का, ठीक है, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों। फिर नेक्स्ट क्लास में पांचवा क्वेश्चन शुरू करूंगा, ठीक है, उसमें 10 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके भी अच्छे खास। चलो हाँ जी, फोर्थ का ही सेकंड पार्ट है, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। हाँ जी, अब जल्दी बताओ क्या कोई भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा भाई इसमें, देख के बताओ कोई भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जी? कोई सा भी नहीं हो रहा। और जब कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा तो किसमें चेंज करेंगे? साइन में और कॉस में। अभी अभी ये बात हुई है हमारी, 1 + में टेन का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक का मतलब 1 / में कॉस थीटा, 1 + में कॉट थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा का मतलब होता है 1 / में साइन थीटा। हाँ जी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब देखो 1 भाई, इन दोनों का बेस सेम है। हाँ जी, तो जब इन दोनों का नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला भी सेम, सेम केस, इन दोनों का बेस सेम है तो ये दोनों सेम तो ये भी सेम, ठीक है जी, ये हो गया। अब कर दो क्रॉस मल्टीपल, कॉस को इससे कर दो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 / कॉस थीटा, इधर भी कर दो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 / में साइन थीटा। हाँ जी, अब इस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को अगर मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, प्लस 1 / कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 / साइन थीटा, ठीक है। अब अगर गौर से देखा जाए बच्चों इनको तो ये आपको लगेगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को पूरे को एक यूनिट मान रहा हूं ए, तो यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा बच्चों? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा? एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और दोनों की मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा प्लस मल्टीप्लाई कॉस थीटा। हाँ जी बच्चों, जल्दी से बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के। तो क्या मैं इस पूरे की जगह पे 1 लिख सकता हूं? जल्दी बता दो हाँ कि ना, लिख सकता हूं। और ये क्या है? माइनस में 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ जी, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, बचा क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा, बच गया आंसर 2। तो ये आपका आंसर, कोई दिक्कत? कर लो बच्चों नोट इसे, और आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, इसे नोट कीजिए, कोई डाउट आए तो बताना। बाकी आपको मैंने अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन पे कवर करके दे दिया है। अब फिफ्थ क्वेश्चन के कितने पार्ट बचे हमारे पास? हमारे पास बच गए फिफ्थ क्वेश्चन के 10 पार्ट, 10 पार्ट हैं, वो सारा कवर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बाकी आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।